जालौन जनपद के कोंच में बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रित कर्मचारियों की संख्या काफी तादाद में है और कई ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी भी हैं जो उच्च शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, लेकिन फिर भी शासन की नीतियों से आहत होकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सेवा कर रहे हैं। इन कर्मचारी संगठनों की सरकार से मांग है कि उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें विभाग में पदोन्नति प्रदान की जाए एवं उन लोगों को प्रशिक्षण दिलाकर शिक्षक के पद में समायोजित किया जाए। अगर यह मांग शासन ने नहीं मानी तो वह लोग लखनऊ में एक विशाल धरने का आयोजन करेंगे और शासन को उनकी जायज मांगों को पूरा करने पर मजबूर करेंगे। हमारी शासन प्रशासन से ये मांग है, प्रथम मांग हमारी ये है कि जो हमारे चतुर्थ श्रेणी भाई मृतक तहत नियावली में हमारे लगे हुए हैं सभी, उनको जो स्नातक और परास्नातक हैं जो विद्यालय में कार्यरत हैं, उनको जो स्नातक है उनको BTC सेवारत BTC प्रशिक्षण दिया जाए और टेट में बैठने का मौका दिया जाए। अगर हम लोग टेट पास कर लेते हैं तो फिर हमको सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जाए। ये हम लोगों की पहली मांग है। दूसरी, हमारे जो मृतक आश्रित के तहत जो हमारे भाई बहन विद्यालयों में कार्यरत हैं जिनकी योग्यता इंटर है, उनको जो विद्यालय MPRC BRC BSA ऑफिस में लिपिक के पद पर पद सृजित करते हुए लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाए। ये हमारी दो मांगे हैं। हम लोगों का संगठन है उत्तर प्रदेशी प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षण कर्मचारी संघ। अक्टूबर माह में हम लोगों का विधानसभा घेराव का पूरी तैयारी है। हम लोगों की मांगे पूर्ण जायज हैं। हम सारे कानून का फॉलो करना चाहते हैं, उनसे कोई विरक्त नहीं करना चाहते कि हम लोग ये कहें हमें टैक्स छूट दे दो, बस हमें सेवारत प्रशिक्षण दे दो आप, जो कि हम लोगों का अधिकार था, ये मृतक आश्रितों का अधिकार था, जो बरसों से दिया जा रहा था, जो हमारे भाई यहाँ शिक्षक पद पर नियुक्त हुए हैं उनको सबको सेवारत दिया था, लेकिन अब सरकार ने ये बंद कर दिया है और हम लोग उन शासन की नीतियों का यहाँ पर फंस के रह गए हैं। हम लोग सब शिक्षक पुत्र पुत्रियां हैं, हम लोग सारी नियम कानून को फॉलो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो कानून के तहत मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उनको सरकार पूरा करे। We'll be right back.